हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। हेलो मैम, आई हेलो एम फाइन मैम। हेलो मैम, आई एम फाइन मैम, व्हाट अबाउट यू? बेटा, आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू। टुडे विल डिस्कस अबाउट राइटिंग इंजन। यस मैम। बेटा अमन, What means yes, ma'am. बेटा, what means writing? Writing का क्या मतलब? मैम लिखना। लिखना। मैम लिखना। Means मैम लिखना। बेटा करेक्ट मैनर में राइट करना। राइटिंग तो कुछ भी, जैसे आप ABCD भी राइट करते हैं तो वो भी तो राइट करना ही होता है। मीन्स करेक्ट फॉर्म हो, सुटेबल वर्ड्स हो, सेंटेंस हो। यस मैम। अंडरस्टैंड? यस मैम। यस बेटा, पेंसिल उठा करके, पेन उठा करके आप कुछ भी विथ पेंसिल राइट करते तो राइटिंग ही हुआ। बट राइटिंग जो आपका स्किल है वो किस तरह से डेवलप है वो देखना है राइटिंग जंक्शन। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। वॉइस नहीं आ रही हमारी मैम? आ रही, आ रही होगी मैम, आ रही है। यस मैम, आ रही है। ओके, बुक सभी को दिख रही है ना? यस मैम। ओके बेटा, तो दैट्स, देखिए क्या है राइटिंग जंक्शन। हियर इज अ नोट फ्रॉम ए यंग गर्ल। यहाँ पर एक लेटर राइट है, एक नोट राइट है, तो वो किसके द्वारा? एक यंग गर्ल है, छोटी सी लड़की है, हु वांट्स, जो चाहती है। अब क्या चाहती है वो? अपोलॉजी मीन्स माफी टू हर फ्रेंड्स फॉर हर बिहेवियर। हर बिहेवियर, वो अपने, उसने जो व्यवहार किया है उसके प्रति वो माफी मांगना चाहती है। लेट अस सी व्हाट सी हैज रिटन। अब देखते हैं वो क्या लिखती है। देखिए, इन दिस चैप्टर, आपने चैप्टर में क्या देखा कि जो लियो टॉलस्टॉय है, मीन्स जो निकी है, राइटर है, इसने क्या किया है कि अपने भाई को परेशान किया है, जो वलोदिया है, वलोदिया को, जो राइटर, उसने बहुत ही परेशान किया है, सारी चीजों को तोड़ दिया है, उससे क्वारलिंग की है, मीन्स कुल मिला के पूरी तरह से उसे परेशान कर दिया है। यू नो, आप लोग जान रहे हैं इस चीज को ना? यस मैम। तो यस मैम, बिल्कुल ऐसा ही सेम रीजन यहाँ पर भी है। एक गर्ल से, वो अपनी फ्रेंड से माफी मांग रही, कुछ ऐसा बिहेव किया होगा उसने अपनी फ्रेंड के साथ कि उसे सॉरी बोलना है, माफी मांगना है। अब देखिए वो कैसे क्या लिखती है वो चीज देखिए। यहाँ एक लेटर पेस्ट है बेटा, निहारिका रीड नाउ। मैरिड बेटा, निहारिका। अनिष्का, एवरीवन वीडियो ऑन कीजिए। तनिष्का, यस बेटा, रीड नाउ। डियर रश्मि, डियर रश्मि, आई एम रियली सॉरी अबाउट द वाइट थिंग्स I said to you, I saw that my project was lying on the floor, broken, and assumed that you had dropped it by mistake. It was wrong of me to think that you would take care of my project. I sincerely apologize for my behavior and hope that you will accept my apology. Please let us be friends again. Love, Preeti. यस बेटा, देखिए, डियर रश्मि, आई एम रियली सॉरी अबाउट द रूड थिंग्स
जो मैंने अभद्र चीजें कर दी हैं, रूड थिंग्स कर दी हैं, जो मैंने बिहेव गलत किया है, तो आई एम रियली सॉरी, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ. आई सैड यू, आई सा दैट माय प्रोजेक्ट वॉज लेइंग. अब मैं तुमसे कह रही हूँ, मैंने तुमसे कहा था, आई सा, मैंने देखा, दैट माय प्रोजेक्ट वॉज लेइंग, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पड़ा हुआ है. बेटा व्हाट इज प्रोजेक्ट अमन? मैम प्रोजेक्ट मीन्स मैम किसी चीज पर वर्क करना, मैम कोई होमवर्क प्रोजेक्ट बनाना. हाँ, कोई मतलब किसी वर्क को करना, तो ये प्रोजेक्ट तो नहीं है. यस मैम, कोई परियोजना मीन्स कोई टाइप ऑफ फाइल. प्रैक्टिकली मैम इट्स आल्सो कॉल्ड एन एनीथिंग. और मैम परियोजना भी कहते हैं. हाँ, परियोजना मीन्स प्रैक्टिकली जो वर्क है अपना, प्रैक्टिकल जो किया है वो मीन्स आपको उसका प्रोजेक्ट तैयार करना है. जैसे आप कोई चार्ट वगैरह बनाते हैं. यस मैम. यस मैम. आप प्रैक्टिकल ही करते हैं उस पर, तो यस मैम प्रोजेक्ट है. तो मैंने देखा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वॉज लेइंग, पड़ा हुआ है ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ब्रोकन, टूटा हुआ है. वो जिस प्रोजेक्ट की वो बात कर रही है उसने कहा मैंने उसे देखा है, मेरा प्रोजेक्ट जमीन पर पड़ा हुआ था और वो टूटा था. एंड अज्यूम्ड, बेटा अज्यूम मींस आपने चैप्टर में भी रीड किया है अज्यूम्ड. रुचि मैम, मैम कुछ कुछ हम मैम मैगल मैम खुशामती खुशामती मैम ग्रहण. यस बेटा. यस मैम ग्रहण. मैम ग्रहण. मैम ग्रहण. और सौरभ बेटा आप बताएं. मैम खा लेना. मैम खा लेना मींस मान लेना. अज्यूम. और मैंने मान लिया दैट यू हैड ड्रॉप्ड इट बाय मिस्टेक. मैंने इसे मान लिया कि ये तुमसे मिस्टेक, गलती से गिर गया है. मैंने माना कि ये गलती से तुमसे छूट गया है, तुमसे गिर गया है. इट वॉज रॉन्ग फॉर मी टू थिंक. ये गलत था मेरा सोचना, जो मैंने ये सोचा गलत था, दैट कि यू वुड नॉट टेक केयर ऑफ माय प्रोजेक्ट, कि तुम मेरे प्रोजेक्ट का ख्याल नहीं रखोगी, ध्यान नहीं दोगी. ये मेरा सोचना गलत था. I sincerely, अब देखिए sincerely एक वर्ड है जो आप अक्सर आप यूज करते हैं. What is sincerely? मैम निश्चित. मैम निश्चित. मैम निश्चित. Sincere होना. Yes ma'am. बेटा वो sincere सौरभ. मैम. मैम ध्यान देना. No बेटा. मैम ईमानदारी से. बेटा sincere, आप बड़े sincere हो. मैम ईमानदार हो. ईमानदार. यस बेटी, वेरी गुड बेटा. आई सिंसियरली, मैं ईमानदारी से. अब देखिए एक अभी मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताई है. व्हाट इज दिस बेटा, क्या राइट है ये? मैम मैम मैंने अभी आपको बताया है, स्टार्टिंग किया है, मैम माफी मांगना. मैम माफी मांगना. यस मैम.
तो मैं तुमसे ईमानदारी से माफी मांगती हूँ फॉर माई बिहेवियर, अपने व्यवहार के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। एंड होप, होप मीन्स निहारिका होप मैम, होप आशा, मैम आशा एंड होप और आशा करती हूँ दैट यू विल एक्सेप्ट। सचिन एक्सेप्ट बेटा, एक्सेप्ट मीन्स मैम, मैम मैम स्वीकार करना या मैं स्वीकार करना, एक्सेप्ट माय। अब देखिए, अब ये कह रही है कि मैं और मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरी गलती को स्वीकार कर लोगी कि मुझसे गलती हो गई है। प्लीज लेट अस बी फ्रेंड अगेन, और प्लीज फिर से चलो हम एक बार फिर से फ्रेंड बन जाते हैं। जो मैंने गलतियां की हैं इसे माफ करके चलो हम फिर से फ्रेंड्स बनते हैं। अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? यस मैम, यस मैम, यस मैम। Anyone, any problem? किसी को कोई भी समस्या इस letter में? No ma'am. तो that अब आपकी बारी है। आपको क्या करना yes, है वो सुनिए। Now imagine, अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए, you are the narrator in the story. अब आप Leo Tolstoy हैं। Yes, ma'am. अब आपकी बारी है, सभी लोग बिल्कुल सिंसियर होकर के, ईमानदार होकर के वर्क करना है आपको। इमेजिन यू आर अ नरेटर ऑफ इन दिस स्टोरी, आप इस स्टोरी के नरेटर हैं, मीन्स लियो टॉलस्टॉय हैं। स्टोरी को सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम सभी क्लियर हो ना? तो यू आर सॉरी, you are sorry about your behavior and want to explain your actions to Valodya. अब आपको एक letter लिखना है और उसमें sorry बोलना है। You are sorry, आपको अफसोस है about your behavior, आपने जो व्यवहार किया है, जो वलोदया के साथ आपने व्यवहार किया है उसके लिए आपको अफसोस है। And want to explain your actions to Valodya. अब आपको explain करना है आपने जो action किया Valodya के साथ। बेटा किसके पास से आवाजें आ रही हैं? अस्मित, अस्मित, अनिल, अमन, बहुत सारी आवाजें आपके पास से आ रही। मैंने थोड़ा अवॉइड किया कि आप बहुत ही ज्यादा शोर होने लगा। तो दैट्स देखिए क्या है कि आपको अब क्या करना है, आप नरेटर हैं और आपने जो एक्शंस वलोदिया के साथ किया है, जो भी क्रियाएं की हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। राइट अ नोट to him expressing your feelings and अब देखिए आप अपनी feelings write करनी है और फिर अपनी behavior के लिए जो आपने behave किया है उसके लिए आपको माफी मांगना है। You should use phrases like, बेटा रुचि what is phrases? रुचि sentence, निहारिका बेटा what is phrases? निहारिका what is phrases? बेटा बहुत गलत बात है, आपसे जब भी मैं क्वेश्चन करती हूँ आप ऐसे ही करती हैं हमेशा। अनुप्रिया, अनुप्रिया, यस मैम, यस बेटा, what is phrases? मैम फ्रेसेस इज सम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सम पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पर ये फ्रेसेस राइट है। आई वुड लाइक,
I'm sorry means ये three phrases हैं, इनका भी आप यूज कर सकती हैं जब आपको नोट्स बनाना हो, मीन्स लेटर राइट करना हो. आप किस आप लियो टॉलस्टॉय हैं, निकी हैं, और आपको अपने फ्रेंड सॉरी इल्डर ब्रदर वलोदिया को लेटर राइट करना है, नोट्स राइट करना है, जिसमें आपको आपने जो एक्शन किया है, जो आपने वर्क किया है, जो आपने काम किया है, जो भी गलतियां की हैं, उसको एक्सप्लेन करना है. एंड आफ्टर दैट जो भी फीलिंग्स है, जैसे लास्ट में देखिए, लास्ट में इसकी फीलिंग्स थी कि उसने माफी मांगा है, तो ऐसे जो भी फीलिंग्स हो आप राइट करेंगी और इन प्रोसेस का आप यूज करेंगी. अंडरस्टैंड एवरीवन? यस मैम. अनिल यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो मैम. कर लेंगे सभी? यस मैम. यस मैम. चलिए देखते हैं, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा. अनिल आप ही मुझे बताइए बेटा, इफ यू आर राइटर नरेटर, तो व्हाट हाउ टू राइट, कैसे आप राइट करेंगे इस लेटर? ये जो नोट्स है, ये लेटर है, बिल्कुल ऐसे ही इसी मैनर में आपको वलोदिया को लिखना है नोट्स, तो आप कैसे राइट करेंगे? यस सान्विका. यस मैम. डियर वलोदिया, आई एम सॉरी फॉर माय रूड बिहेवियर. इट वाज माय मिस्टेक एंड यू शुड सॉरी. आई एम फीलिंग अशेम्ड and realizing my mistake. I am asking you to not behave like this again. For my mistake. Ma'am, again I can. Ma'am, dear Valodia, I'm really sorry. Rude behavior. It was my mistake, and you said sorry. And I am realizing my mistake. Please pardon my big brother Valodia, and I am asking you to not do it, to not behave like this again. I sincerely apologize for my behavior, and hope that accept my behavior. Love from your younger brother. वेरी गुड बेटा, वेल डन. अमन यू आप कैसे करेंगे? डियर बलोदिया, आई एम रियली सॉरी अबाउट द रूड बिहेवियर दैट. लिसन लिसन, जब कोई हमारा इल्डर हो, ब्रदर हो, या हमारे पेरेंट्स हो, या ग्रैंड पेरेंट्स हो, या कोई भी रिलेटिव हो, तो हम क्या डियर का यूज करते हैं? बेटा ये फ्रेंड्स थी प्रीति एंड रश्मि, दैट्स इन्होंने डियर का यूज किया है क्योंकि इनकी एज सेम थी, सेम क्लास, सेम एज. लेकिन जो इल्डर ब्रदर है वो हमसे रिस्पेक्टेड है, तो दैट्स हम डियर तो यूज नहीं करते हैं, हम डियर तो यंगर के लिए यूज करते हैं. यस मैम. तो फिर कैसे करेंगे? मैम टू रिस्पेक्ट माय इल्डर ब्रदर बलोदिया. आई एम रियली सॉरी अबाउट द रूड बिहेवियर एंड आई आल्सो ब्रोकन योर प्रीसियस थिंग्स एंड यू सेड सॉरी टू मी एंड आई एम वेरी एस फील वेरी असेंबल. I am really sorry about that mistake, and I sincerely apologize for my behavior, and I hope that you will accept my apologies, and you again made me a friend. Your love, your
योर यंगर ब्रदर लियो टॉलस्टॉय. ओके बेटा. यस तनिष्का, आपको अगर राइट करना हो तो हाउ डू राइट? यस तनिष्का, अस्मित, अस्मित बेटा, ये जरूरी नहीं है कि आप 1 to 100 सारे टॉपिक्स से ही जो भी आपके माइंड में है हमें उतना तो बोलना चाहिए ना. हमारी स्किल तभी डेवलपमेंट होगी, तभी डेवलप करेगी जब हम कुछ बोलना सीखेंगे. अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं देंगे, फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अतुल बेटा, अतुल यू आर लियो टॉलस्टॉय, और आपको आपने जो बिहेव किया है, आपने यंगर जो आपका एल्डर ब्रदर है वलोद्या, आपने उसके थिंग्स तोड़ दिए. जो भी प्रीसियस थिंग्स थी वो आपने तोड़ दी है, अब आपको सॉरी बोलना है. तो दैट्स जो भी आपका मैटर है उसे एक्सप्लेन कीजिए और ऐसे आप नोट्स तैयार कीजिए. कैसे राइट करेंगे आप? आप लोग सीनियर हैं, फिर कैसे ऐसे ऐसे कैसे? मैम मैडम. यस बेटा. डियर वलोद्या, आई एम रियली सॉरी अबाउट द व्हाइट थिंग्स दैट आई सेड टू यू. जब कोई बार इतना बड़ा होता है तो हम रिस्पेक्टेड का यूज करते हैं, डियर का नहीं. डियर आपस में सेम एज या फिर वो एल्डर हो, हमसे छोटा हो, दैट्स डियर का यूज करेंगे. ओके. रिस्पेक्टेड वलोद्या, आई एम रियली सॉरी अबाउट द व्हाइट थिंग्स दैट आई सेड टू यू. I would like to apologize about that behavior that I being by you. I am sorry that I broken your precious things. I was wrong of me to being careless. I was wrong of me to say thing that you would not take care of me while I was careless. I sincerely apologize for my behavior and hope that you will accept my apology. Okay. Please let us being friend again. Love, dear Tolstoy, your Tolstoy. Okay, beta. Very good. आप बेटा, आपको ये भी याद रखना है कि ये सारे जो phrases हैं इनको भी use करना है. सौरभ बेटा, अगर आप सौरभ बेटा आप कैसे राइट करेंगे? जरूरी नहीं कि हम सारे 1 to 100 कंप्लीट करें. सम वर्ड्स ही बोलिए आप, स्टार्टिंग कीजिए, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे तब एंड भी कर पाएंगे. मैं रिस्पेक्ट वलोद्या, आई एम रियली सॉरी अबाउट द रूड थिंग्स आई सेड यू. आई डिस्ट्रॉय योर precious things that you know he our बेटा 4-5 लोगों ने बोला भी, अगर आप इसको सुन रहे होते ध्यान से तो वही सारी चीजें अगर आप बोलते फिर भी आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता. मैम रिस्पेक्ट वलोद्या, आई एम रियली सॉरी अबाउट द रूड थिंग्स आई सेड यू. I will broke your precious things like costume.
it was very wrong to think me you take I am take careless. I am sincerely apologize for my behavior and hope that you will accept my apology. Please let us friend again. Love. Okay, thank you. Yes, beta. So that's writing junction को आप लोग आसानी से कर सकते हैं, किसी को कोई problem नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ. कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Next topic देखते हैं क्या है. बेटा speaking junction. Speaking junction क्या है? बोलना. जैसे अब तक आप लोग write करना सीख रहे थे, कैसे हम राइट करें? अब टॉपिक आता है बोलना, स्पीक करना. तो कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट दैट ब्रॉट योर क्लोजर टू योर ब्रदर और सिस्टर. इफ इट कुड बी अ फाइट लाइक वन इन द स्टोरी दैट मेड यू रियलाइज हाउ मच यू लव हिम हर. इट कुड इवन बी a happy incident share this experience with the class. इस टॉपिक में आपको क्या करना है शांविका? आप सभी लोग पहले सुनिए. इस टॉपिक को ये आपका आज नहीं होना है, इसे मैंने आपको इसलिए बताया है. इस टॉपिक को आप क्लियर कीजिएगा, कल आपका स्पीकिंग जंक्शन क्लास में होगा. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वन टाइम सभी लोग देख लीजिए. कैन यू थिंक एन इंसिडेंट टू ब्रॉट योर क्लोजर टू योर ब्रदर और सिस्टर. इट कुड बी अ फाइट लाइक वन इन द स्टोरी. आप स्टोरी की तरह लाइक लड़ते हैं तो आपको क्या लगता है? हाउ मच यू लव इट कुड इवन बी हैप्पी इंसिडेंट शेयर. अब आपको अपना अनुभव क्लास में शेयर करना है, तो इस पर डिस्कस आज नहीं होगा, कल होगा, नेक्स्ट डे. ओके? यस मैम. अगर आप लोगों में विदाउट वर्क के इस टॉपिक पर किसी को बोलना हो, किसी को स्पीच देनी हो, किसी को कन्वर्सेशन करना हो, तो क्या आप लोग कर सकते हैं? स्पीकिंग जंक्शन जो हमारा टॉपिक है, क्या इस पर हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं? यस मैम. यस मैम. कर लेंगे ना? Yes. तो कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट ब्रॉट यू क्लोजर. बेटा क्लोजर मीन्स अनिल पास. क्लोजर मीन्स पास. यस मैम. एन इंसिडेंट. इंसिडेंट क्या है? घटना. घटना. वेरी गुड बेटा, घटना. सो कैन यू थिंक ऑफ इंसिडेंट दैट ब्रॉट एंड ब्रॉट मींस लाना. योर ब्रदर और सिस्टर मीनिंग. अब इसको ट्रांसलेट अगर करना हो तो क्या कहेंगे अतुल? क्योंकि हम क्वेश्चंस को जब समझते हैं तभी उसका आंसर भी कर पाते हैं. हम बताएं. कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट दैट ब्रॉट यू क्लोजर टू योर ब्रदर और सिस्टर. आपको अगर इन हिंदी जब आप इसे समझेंगे तभी आप इसे कर भी पाएंगे. तो इसको हम क्या, आप क्या समझ रहे हैं, ये क्या चीज है?
मैंने बोला आप लोग स्पीकिंग जंक्शन कर लेंगे, किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम है। यस मैम सभी की वॉइस यही थी यस मैम। तो इन दिस लाइन व्हाट डू यू मीन, आप इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? अनिल मैम बेटा व्हाट डू यू मीन दिस लाइन? आपकी बात प्रॉपर नहीं आ रही है, प्रॉपर वॉइस नहीं जा रही है। बस सभी को मेरी वॉइस जा रही है या नहीं? मैम आ रही है बात, मैम जा रही है, वॉइस आ रही है। बेटा नेटवर्क हमारे पास फुल नेटवर्क है, नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यस बेटा बोलिए। मैम मैं आईटीएल, चलिए बताइए अमन। आप ऐसी घटना के बारे मैम, क्या आप ऐसी घटना के बारे में सोच सकते हो जो आपके अपने बड़े भाई या बहन के करीब लाई हो? शान्विका यू टेल। क्या आप किसी ऐसी घटना के बारे में सोच सकते हैं जो आपको आपके भाई या बहन के और पास मतलब और ज्यादा? यस बेटा मींस आप किसने कभी आपने किसी घटना के बारे में ऐसा सोचा है जिससे आप और आपके भाई या बहन क्लोजर हो गए हो, पास हो गए हो? ऐसी इफ कुड बी अ फाइट लाइक वन इन द स्टोरी, इट कुड बी अ फाइट लाइक वन इन द स्टोरी मींस। अनुप्रिया यस बेटा अनुप्रिया मैम मैं आई टेल यस यस बेटा बोलिए। मैम क्या ये स्टोरी की तरह लड़ाई? इट कुड बी अ फाइट, कुड कहाँ यूज करते हैं? हो सकता है, इट कुड बी अ फाइट लाइक वन इन द स्टोरी दैट मेड यू रियलाइज हाउ मच यू लव हिम हर। ऐसा हो सकता है कि जब आप स्टोरी के तरह, जैसे स्टोरी में लड़ाई हुई इस तरह लड़ाई करते, तो आप रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। इट कुड बी इवन बी हैप्पी इंसिडेंट, ये सुखद घटना भी हो सकती है। अब इसे आपको क्लास में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है। निहारिका बेटा समझ रही आप इस टॉपिक को? ये सभी के लिए होमवर्क है। इस राइटिंग जंक्शन को सभी सेंड करेंगे राइट के करके, एंड इस टॉपिक को सभी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट डे क्लास में आपका स्पीकिंग जंक्शन होगा। यस मैम। शान्विका बेटा यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो। एनीवन किसी को भी? नो मैम। स्पीकिंग जंक्शन आपको प्रिपेयर करना है, आपके लिए कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? चलिए कोई बात नहीं बेटा। निहारिका वंस अगेन एक बार फिर आपको चांस दे रहे हैं हम। बेटा आपको अगर अवर पेरेंट्स के बारे में स्पीच देनी हो स्पीकिंग जंक्शन के में ही ये है बेस्ड, हमारा स्पीकिंग ही है, तो आप अपने पेरेंट्स के बारे में हाउ टू स्पीक कैसे बोलेंगी? यस से बेटा
निहारिका मैम यार भाई इतनी मार्क्स कमी कर दे बेटा मैम मैटियल चलिए सानविका आप पहले बताएं फिर अमन से पूछते हैं यस सानविका Yes, ma'am. Ma'am, if I have a chance to tell my parents, I'll say that, ma'am, my parents are hear me, love me, and tell me good thing which make my future good. Anytime I did not understand, and when they scored me, I stood that. They are doing because they didn't like me. After some time, I realized because they are doing that to my good. It is an incident of yesterday when my mother was telling me that you are not focusing on your studies, playing. Sometimes so okay beta stop Sanvika yes beta Aman I love my parents and my father is a farmer he works into the field and he is very hard working person and he like to eat many things his favorite sweet is rasgulla and he also very happiness person and he very love me and my mother is housewife he works into houses in a house he cooking food he when I going to school he prepare the lunch box geometry boxes etc things and my father is also give me many advice that you can follow on this advice. He also helped me. He really loved me and I also loved him. Okay, stop, Aman. Aman, stop. Beta, time is over. आपको जो भी आपका टॉपिक है इसे क्लियर करना है नेक्स्ट डे आपका स्पीकिंग जंक्शन आपके लोगों से साथ शेयर किया जाएगा सभी लोग एक दूसरे में पार्टिसिपेट करेंगे ओके बाय बेटा